दीदारी वही हो जाए। और नजर झुका के चला कर जो खुल की लाल वही हो जाए। वही हो से आज की डेट में हमारे साधु संतों के ऊपर बहुत ज्यादा मजाक बन रहा है। कुछ साधु संतों ने साधु के नाम पे मजाक बना के धर दिया है, जैसे कि आसाराम बापू जी, राम रहीम जी, रामपाल जी, और ये बीच में अब राधे मां हनीप्रीत भी आ रही है, इनका भी नाम लपेटे में आ रहा है। आइए बताया प्रेमी संतों की पांचों उंगली हाथ की एक जैसी नहीं होती, सारे साधु संत एक जैसे नहीं होते, क्या बताए पहली बात में। मौत किसी के अपने हाथ नहीं होती, उनकी किस्मत मौत किसी के अपने हाथ नहीं होती। देख भेद छिपाने वाली नीति, भेद छिपाने वाली नीति यार के साथ नहीं होती। बेटी खुद से ज्यादा बोले ये अच्छी बात नहीं होती, पार हो जाती है। और अगर उसी का जीवन साथी उसके साथ में धोखा दे, गद्दारी करे, तो उसका कुछ नहीं हो सकता। आइए बताया प्रेमी सज्जनों कि अगर इंसान के जीवन में ये तीन चीज अच्छी हैं, तो जानो उसकी नैया पार हो जाएगी। कौन कौन सी तीन चीज बताई, दूसरी बात में क्या बताया। और मोहब्बत नहीं भरोसा, तीनों का और मोहब्बत नहीं भरोसा, तीनों का। अरे भूखे की जो भूख मिटा दे, भूखे की जो भूख मिटा दे, वो जमींदारी जमीनों का। और बात अच्छी लगे प्रेमी सज्जनों तो आप लोगों की ताली चाहूंगी सुनने के बाद। हिर
करे मात पिता की, मात पिता की करे ना सेवा, यो से काम कमी लो मात पिता की करे ना सेवा, यो से काम कमी ना खाए वो भी पछताए। हर इंसान चाहता है जब 20-22 साल का हो जाए, लेकिन मेरा भी ब्याह होगा, मैं भी लड्डू खाऊंगा ब्याह के, मैं भी देखूंगा किसे लड्डू हो। लेकिन अगर किसी इंसान के ब्याह होते होते ना हो या उसकी सगाई हो जाए, टूट जाए, तो कितना दुख होता है उसके दिल से ही पूछो। आइए, कैसे कवि ने तीसरी बात में बताया। दुखड़ा हो जा, इज्जत तो लते, इज्जत तो लते, तबीयत लुट जा, तो भारी झगड़ा हो जा, इज्जत तो लते, तबीयत लुट जा, तो भारी झगड़ा हो जा। दिखे घर का सारा बोझ हो सर पे, घर का सारा बोझ हो सर पे, इम्तिहान कहड़ा के कंधे छोड़े हो जा, हम बेटा अगर बड़ा हो जा, बाप के कंधे छोड़े हो जा, बेटा अगर बड़ा हो जा, दिखे दुख में गैल खड़ा हो जा रे, दुख में गैल खड़ा हो जा, असली दिलदार वही हो से, नजर लगा के चला करे दे, मुझकी नार वही हो से, आता है जब इंसान का इस दुनिया में जन्म होता है, तो जन्म लेते ही उस इंसान के साथ में हजारों रिश्ते नाते जुड़ जाते हैं कि ये तेरा भाई, ये तेरा भाई है, ये तेरी बहन है, ये तेरे फूफा है, ये तेरी फूफी है, ये तेरे चाचा है, ये तेरी चाची है। लेकिन वो इंसान चाहता है कि हर रिश्ते नातों को मैं साथ में लेकर के चलूं, दिल से निभाऊं। लेकिन कुछ रिश्ते नातों के साथ में इंसान की कभी लोग जोक हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। लेकिन कभी नहीं बताया कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके साथ में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। वो कौन कौन से रिश्ते होते हैं, चौथी बात के माध्यम से कवि ने क्या बताया भला। कोई भेद छिपाना अच्छा ना, प्रीत खबर के गुरु अपने से भेद छिपाना अच्छा।
भी